लोहड़ी का तोहफा, बुढ़ापा, विधवा ते विकलांग हर महीने मिलने 3500 रुपये पेंशन महीना। पंजाब सरकार वालों एक नवी जानकारी, नवी अपडेट, नवा नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। पंजाब सरकार वालों वड्डी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पंजाब के लोगों को एक वड्डा तोहफा दिता जा रहा है जो लोहड़ी का। पंजाब के लोगों वास्ते बहुत वड्डी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। ये जानकारी सांझी पंजाब सरकार ने, सीएम भगवंत मान जी ने, यानी कि चीफ मिनिस्टर जी ने यह जानकारी साझी की है। अपने ट्विटर वैबसाइट के उपर भी यह जानकारी साझी की जा रही है उन्होंने वालों कि यह स्कीम तुहाडे तक किदां पहुँचाई जाएगी, किस तरह मिलेगी, तुहानू पूरी जानकारी तुहाडे नाल साझी करदे आ। 3500 रुपया पेंशन महीना हर महीने तुहानू मिलेगा, तुहानू घर बैठे नूं मिलेगा या फिर तुहाडे बैंक खाते विच भेजा जाएगा। सरकार ने की योजना बनाई पूरी जानकारी तुहाडे नाल साझी करदे आ। चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने चैनल कर लो सबसक्राइब, तो नाल लगमा बिल वाली घंटी ऑन जरूर कर लिया जाए, क्योंकि तुहानू अपने इत्थे पंजाब सरकार दीआं, केंद्र सरकार दीआं सरकारी स्कीम, पेंशनां ते योजनावां दी अपडेट डेली मिलती रहती है। इसी तरह एक होर अपडेट तुहाडे तक लैके आ चुकी हैं। सरकार ने एक नवा नोटिफिकेशन जारी किया, नवी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अगे चलते हैं नोटिफिकेशन के वाल, तो पूरी जानकारी तुहाडे नाल साझी करते हैं। तो वीडियो अज कट करके ना जाया जे। सीएम भगवंत मान जी की जो ऑफिशियल वैबसाइट ट्विटर है उपर चलते हैं। लोहड़ी तो कुछ दिन पहला सूबा सरकार ने, आप सरकार ने एक फैसला लिया। पंजाब राज विच कुछ अजिहे विकलांग बजुर्ग ते विधवावां हन, इन्हां लोकां नूं आप सरकार वल्लों चालू वित्ती साल दौरान 3500 रुपये हर महीने दिते जाएगा। ये स्कीम आने वाले बजट तो शुरू की जाएगी, जो कि 7 जनवरी 2024 नूं अपडेट साझी की जा रही है सीएम भगवंत मान जी वालों। यह जो ऐलान पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब जी वालों किया जा रहा है, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान जी वालों किया जा रहा है, इसके बारे पूरी जानकारी तुहाडे नाल साझी करदे आ। किस तरीके राही सरकार जो विकलांग ने, जो बजुर्ग ने, उन्होंने 3500 रुपये पेंशन महीना देन जा रही पीए। वीडियो नूं कट करके ना जाया जे, पूरी जानकारी तुहाडे नाल साझी करांगे। पंजाब दे विच जो 1000 पेंशन स्कीम शुरू करन जा रही है पंजाब सरकार, जो कि बजट तो पहला तो 1500 वाली पेंशन वधाउण जा रही पी है पंजाब सरकार, जो कि 2500 रुपया करन जा रही पी है बजट तो पहला यानी कि चोणां तो पहला तो सूत्रां अनुसार तुहाडे नाल जानकारी साझी की जा रही पी है। महरां का कहना है कि 1000 पेंशन तो 2500 रुपये पेंशन स्कीम मिला के सरकार 3500 रुपये पेंशन स्कीम शुरू करन जा रही पी है, जो अजिहे वर्ग है जो कि बुढ़ापा ने, विधवा ने, उन्होंने सरकार ये शुरू करेगी। जो विधवा है उन्होंने 2500 पेंशन होगी, जो विकलांग ने उन्होंने भी 2500 पेंशन मिलेगी, पर उन्होंने 1000 कन्वेंस पत्ता भी मिलेगा। जेकर उन्होंने कोल 50 से 60% प्रतिशत उन्होंने को जे विकलांग सर्टिफिकेट है तो इन्ह विकलांग ते अपाहिज लोगों 1000 कन्वेंस पत्ता शुरू किया जाएगा सरकार वालों। तो जे बुजुर्ग औरतों ने उन्होंने 1000 पत्ता स्कीम, तो 2500 रुपये बुढ़ापा पेंशन स्कीम, विधवावान भी इस तरह ही 2500 रुपया उन्होंने विधवा पेंशन स्कीम, तो 1000 पत्ता स्कीम, इन्हों की कुल मिला के हो जाएगी 3500 रुपया स्कीम। एक अजिहा वर्ग है जिन्होंने सरकार वालों ये वित्तीय सहायता स्कीम मुहैया करवाई जा रही पी है 3500 रुपया हर महीने